एंड गाइस वेलकम बैक टू यो हंगर। अभी सर्द का थोड़ा सा मस्त सा माहौल चल रहा है तो सोचा गया कि आपको गोरखपुर के गलियों से उठा के कुछ गर्मा गर्म खिलाते हैं। और इसी खोज में हम निकले थे आगे, तो अली नगर का एक चौराहा है, अली नगर कह लीजिए या आर्य नगर कह लीजिए, ये आपकी इच्छा। लेकिन गलियों में ढूंढते हुए हमें पता चला यहाँ पे एक ऐसी दुकान का जो कि बेसिकली चाट समोसे ये सब सर्व करते हैं, लेकिन दुकान जो है वो लगभग 100-125 साल पुरानी है। तो हमें भी कौतूहल जगह कि आके एक बार देखते हैं ऐसी क्या बात है जो एक दुकान 100 सालों से चली आ रही है और सभी लोगों को पता है। तो खोजते खोजते बहरहाल हम आ गए हैं उसी दुकान पे जिसका नाम है कन्हैया चाट। वैसे इस दुकान का नाम कहीं नहीं लिखा है तो नाम से मत आइएगा। मैं बता दूं कि गंगेश चौराहे से अली नगर चौराहे पे आप जाएंगे तो अली नगर चौराहे से मुश्किल से 10 कदम पहले बाएं हाथ ये दुकान है। तो यहाँ का देखते हैं, लोगों से हमने सुना है बहुत अच्छा है, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा है, फिर आपको बताते हैं। आ जाइए, खड़े हैं दुकान के अंदर हम। बहरहाल इस दुकान पे आप देख सकते हैं कि अभी समोसे यहाँ पे बन रहे हैं, छन के पड़े हुए हैं कुछ समोसे, गरम गरम है, तवा एकदम गरम, खस्ता सब गर्मा गर्म फीलिंग आ रही है, ऐसे बर्फ पड़ने वाली ठंडी सी है, एहसास कुछ यूँ ही है मेरे पास। तो इस ठंडी में ऐसा गर्मा गर्म खाने का एहसास लेके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी यहाँ पे हमारे साथ इस शॉप के ओनर फिलहाल के मनीष भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई हेलो, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। तो कुछ बताइए आप अपने दुकान के बारे में, कब से है, क्या क्या मिलता है, रेट क्या क्या है? खस्ता बेचते हैं 15 रुपये का, ठीक है, 13 का, समोसा लेंगे 6 रुपये का, मटर साल लेंगे 13 रुपये का, देवड़ा तो फिलहाल है नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, कचालू है 10 रुपये। कचालू भी है? हाँ। ओके, तो मैंने सुना है काफी पुरानी दुकान है आपकी। हाँ, से ये बाबा के जमाने की दुकान है। अच्छा, बाबा के जमाने मतलब कितने साल हो गए? अरे 25 साल हो गए, 125 साल। अच्छा, तो ये 125 साल पुरानी दुकान है फिलहाल ऐसी। बड़ा नाम सुना है हमने आपका, क्या? अच्छा ये बताइए मनीष भाई कि कितने खस्ते या कितने समोसे पर डे उठ जाते होंगे यहाँ से, एक अंदाज? अरे इतना जितना खस्ता रखा है इतना सारा बिक जाएगा आपका। हाँ, लगभग ये 100 पीस होगा, 50 होगा, 55-60 होगा। हाँ, 55-60 पीस। ओके, समोसे लगभग 3 किलो बिक जाता है। अब 3 किलो तो हम नंबर में नहीं जान पाएंगे ना, 3 किलो, 1 किलो में 30 पीस रहता है, आधा किलो में यानी 100-180। अच्छा 180, यानी कुल कुल मिला जुला के आप 300-400 पीसेस चाट वाट सब मिला के भेज देते हैं। चलिए, लोगों की दीवानी है। वैसे मैं दिखा दूं शुभम, यहाँ पे दिखाना गरम गरम छोला यहाँ पे, भाई देख के लालच आ रहा है यार ये। वैसे एक बात मैं बताना भूल गया था, जानकारी रख लीजिए आप कि दुनिया में किसी भी राजसी कैफे से कंपेयर कर लेना, लेकिन गोरखपुर से बेटर चाट दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मैंने बहुत जगह के खाए, बहुत रिनाउंड प्लेसेस के खाए, लेकिन गोरखपुर का कोई कंपैरिजन नहीं है। चलिए वो छोड़ते हैं फिलहाल। तो मनीष भाई आप हमको क्या खिलाएंगे अभी? क्या खाएंगे यार बताइए, सब एक एक दे दीजिए। एक खस्ता बना के दीजिए, समोसा और चाट दे दीजिए, एक चाट तो ट्राई खाइए। हाँ, पहले खस्ता से शुरू करते हैं। दही खाएंगे? हाँ दही खाएंगे, बैठते हैं अंदर।
अंततः काफी इंतजार के बाद हमारी सारी खाद्य सामग्रियां जो कि यहाँ पे हमें मिल सकती थी वो ऐसे सामने आ गई हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक टेंटेड है कोई नहीं, तो मैं बताऊँ ये कचालू है, ये यहाँ का चाट टिकिया जो भी आप कहना चाहें, ये जो है ये समोसा छोला है, और ये खस्ता है जो मैंने अभी ट्राई किया था। तो शुरू किससे करें, पहले कचालू से देखते हैं, एक एक करके सारे ट्राई करेंगे, ट्राई करके लास्ट में आपको बताएंगे कि इट्स अप टू द मार्क और नॉट। बढ़िया खट्टापन है, आमचूर, आमचूर का पाउडर डालते हैं ना इसमें थोड़ा, इमली का खट्टी चटनी है। अच्छा, इमली की खट्टी चटनी, थोड़ा खट्टा सा स्वाद है, बहुत अच्छा सा है कचालू के अंदर। ये हमारा चाट था जो कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा चाट, गरम गरम है यार, लाजवाब। यहाँ पे आते हैं समोसे और छोले पे, तो बढ़िया। तो यहाँ हो गया हमारा सब ट्राई। मैं बता दूँ वाकई में अगर कोई चीज़ 100-125 साल से चल रही है तो कुछ तो बात है उसमें, वो चल रही है और चल क्या रही है, अगर दिन भर में 400-500 पीसेस बेच के चल रही है तो दौड़ रही है वो, तो चलना नहीं कहेंगे उसे। स्पाइसी है, जो इसको स्पाइसी पसंद आएगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करेंगे इसको, थोड़ा सा खट्टापन है। बाकी चाट मैंने बताया गोरखपुर का बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छी चाट है। ओवरऑल आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और खासकर जो जो ठंडी का मौसम चल रहा है यार उसमें तो इसकी गरम गरम जो स्वाद है ना, पैसे निवाला अंदर जा रहा है तो जन्नत का एहसास हो रहा है अंदर से। तो इसी के साथ बाकी हम कंसंट्रेट करते हैं अपने आगे के खाने पे, और आप हमारे साथ बने रहेगा हंगर बाइट पे छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए, यहाँ पे हम आपको गोरखपुर का स्ट्रीट दिखाएंगे। बाकी ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आपको पता ही करना है। मैं बता दूं मैं foodpremi.gkp के नाम से आपको इंस्टा पे मिल जाऊंगा, और मेरे साथ हैं गोरखपुर फूड्स, दोनों में से आप किसी को इंस्टा पे सर्च करके और फूड रिव्यू जान सकते हैं शहर के। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।